लाडले साहब के इस चैनल में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपसे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर पूछा था कि नेक्स्ट ब्लॉग मुझे कहाँ का बनाना चाहिए, एक तरफ मैंने मार्केट ब्लॉग रखा था, एक तरफ मैंने मॉन्यूमेंट ब्लॉग रखा था, तो जिसमें से 67% मुझे मार्केट ब्लॉग के ऊपर वोट आए थे। तो जी हाँ, मैं आज आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग मार्केट लेके जा रहा हूँ जो कि बहुत खास है और पुरानी दिल्ली की तो वो जान है। जी हाँ, यहाँ पे बहुत धूप निकली है लेकिन बहुत अच्छी हवा भी चल रही है जिसकी वजह से मेरे बाल खराब हो रहे हैं। तो यहाँ की जो मार्केट है पुरानी दिल्ली की, वहाँ पे एक जगह के ऊपर तीन मार्केटें लगती हैं। जी, तीन मार्केट हैं, जैसे कि सुबह का बाजार हो गया, ठीक है, वो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक लगता है। फिर दूसरा बाजार लगता है, वो 12 बजे के बाद लगता है। इस बाजार के अंदर जो मेन शॉप्स होती हैं उस पर सामान मिलता है, ठीक है, वहाँ से खरीदना पड़ेगा आपको जो मेन शॉप्स हैं। और ये शॉप्स बंद होती हैं आपकी 11-10 बजे तक बंद हो जाती हैं। फिर 10-11 बजे के बाद रात का बाजार लगता है, जो शॉप बंद हो जाती है उसके आगे सामान ला के लगाने लग जाते हैं लोग, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे आपको तीनों मार्केट के बारे में आपको बताऊंगा। इस मार्केट का नाम है चितली कबर मार्केट। जी हाँ, आपने सही सुना, चितली कबर मार्केट पुरानी दिल्ली की शान है और सबसे ज़्यादा शॉपिंग करने वाला एरिया है ये। चलिए चलते हैं चितली कबर मार्केट का ब्लॉग बनाने। अभी सुबह के 8:45 हो रहे हैं, वहाँ जाते जाते हमें 9 बज जाएंगे। तो चलिए चल के देखते हैं कि सुबह का बाजार कैसा लगता है, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए मार्केट लगने स्टार्ट हो गई आपकी चितली कबर मार्केट। यहाँ की खासियत ये है सुबह के बाजार की कि यहाँ पे जो कहते हैं चांदियाँ और जो कपड़े होते हैं ना वो सस्ते मिलते हैं। वो मिलते हैं 20 रुपये मीटर, 30 रुपये मीटर, 40-50 रुपये, जो आम दिनों पे 180, 150, 150, 180, 120 के मीटर के हिसाब से मिलते हैं। कैसे दे रहे हो? 50 के 3 जोड़े 100 रुपये। कैसे दे रहे हो शर्ट? 80 रुपये। 9 बजे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ कितनी है। वैसे यहाँ का बाजार 7 बजे से लगना स्टार्ट हो जाता है। ₹50 में चाहे शूज हो, कुछ भी 50 रुपये में, वहाँ 150 रुपये के प्रॉफिट है। किस रेट में अंकल ये? किस रेट में? 200-250। देखिए पूरा काम होएगा पूरे वर्क के साथ सिर्फ 250 रुपये में, 200 रुपये में। ये स्कूल की व्हाइट शर्ट्स वगैरह होगी।
कमी, दूध की कमी। 10 किलोमीटर देखो, 10 किलोमीटर सिर्फ 10 किलोमीटर है। और यहाँ की सबसे खास जो सुबह सबसे ज्यादा लोग आते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं ये है दुर्गा स्वीट्स, यहाँ पर सुबह पूरियाँ जो मिलती है वो सबसे बेस्ट होती है। अगर आप ये देखिए कैसे दिखना है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब बारी आ गई है शाम के न्यू ब्लॉग की। आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे जाता है हमारा शाम का ब्लॉग। मैं निकल चुका हूँ शाम के ब्लॉग के लिए और शाम के ब्लॉग में मेरा साथ देने आज मेरा भाई नवेद मेरा साथ देने आया है। बाय द वे ये फिटनेस मॉडल है और मेरा दोस्त है आखिरकार। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग की ओर, चलते हैं। तो जैसा आपने देखा मेरे पे अड़े मटिया महल की तरफ है। ये जो जगह है, ये जो रास्ता जा रहा है जामा मस्जिद की तरफ जा रहा है और इधर का जो रास्ता जा रहा है चितली कबर की तरफ जा रहा है। तो हम चितली कबर की ओर जाएंगे और वहाँ से हम तेरा बैरम खां की तरफ निकल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और आपके यहाँ की चीजें दिखा देंगे क्या क्या है यहाँ पे। भाई फ्रेंड्स चलते हैं और शॉप के अंदर जाके देखते हैं कि कैसे रहता है हमारा एक्सपीरियंस, बाकी शॉप कैसे कैसे है। ये शॉप पर जा रहा हूँ मैं, ये मेरी दोस्त की है, मतलब मेरे दोस्त के भाई की है। ये हमारे उसामा भाई है, ये इनकी शॉप है जिसका नाम है रॉयल फैशन। यहाँ पर आपको सारे फैशनेबल चीजें मिलेंगी। देखिए सारा ब्रांडेड माल है जारा का, जारा अरमानी, ये देखें। यहाँ इस शॉप से आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ठीक है ना भाई? नहीं मिलेगी ना? नहीं मिलेगी भाई। तो जगह आपको जाम में जाम मिलेगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि सारी की सारी शॉप्स ओपन हो जाती हैं और शाम का वक्त है और देखिए देख सकते हैं आप कि कैसे शॉप्स ओपन है सारी की सारी। यहाँ पे आपको सब सामान बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत आपके बजट में मिलेगा। कभी कभी यहाँ पे बजट ओवरलोड हो जाते हैं, बहुत महंगे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और इनकी जो टाइमिंग है क्लोज होने की वो है 10 बजे से 11 बजे तक, ये बंद हो जाती है सारी शॉप्स। उसके बाद रात का बाजार लगता है, रात के बाजार जो लगता है वो इन शॉप्स के जो बंद होने के बाद है उसके आगे लगता है।
बताया था कि यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक भीड़ लगी रहती है। अगर नहीं बताया तो आप सुन लो कि भीड़ लगी रहती है। आप देखें सुबह पूरियाँ मिलती हैं और शाम में भटूरे, और यहाँ पे डोसा चाउमीन जो सबसे ज्यादा मिलती है। वॉलेट लाइन देखनी पड़ेगी कि वॉलेट लाइन है या नहीं। वॉलेट लाइन पहले तो आपको दिल्ली गेट पड़ेगा, इससे आगे ही जामा मस्जिद है जो कि ये नियरेस्ट, दोनों ही बहुत नियरेस्ट हैं। अगर आपको जल्दी जाना है तो आपको जामा मस्जिद लेनी पड़ेगी, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन आए हुए हैं। तो गाइस इसी के साथ खत्म होता है हमारा शाम का ब्लॉग। अब जाएंगे हम रात का ब्लॉग बनाने जो कि है रात का बाजार, जो मैंने आपको बताया था थर्ड ब्लॉग है हमारे आज के दिन का। तो चलिए वहाँ की तैयारी करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके हम वहाँ जाते हैं। रात को मिलते हैं और हम पहुंच गए हैं रात को चित्ली कबार मार्केट, और हम आपको मार्केट दिखाएंगे रात को कैसी लगती है। देखते हैं यहाँ पे सामने कैप लगा रखा है, उनके पास जाते हैं, देखते हैं कि कैसे। 150 ही है भाई, दिखाने यार। भाई रोज लगाते हैं यहाँ पे, फिर भाई हम डेली लगाते हैं। तो शॉप वगैरह भी तुम्हारी सीताराम वगैरह में शॉप। और वैसे कितने की आती है टोपी वगैरह? वैसे आपको 200-250 की मिलेगी। इस बाजार में रिस्पॉन्स सही है, इसलिए हमारी अंदर के सेल 150। हाँ चौबस लग रहा है, मतलब सीताराम बाजार में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता आपको? बिल्कुल नहीं। वाह, सीताराम बाजार से अच्छी चित्ली कबार की मार्केट को बोल रहे हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, हम आगे की मार्केट देखते हैं कि कैसी है। अभी हमने एक कैब वाले से बात की है, वो कह रहे हैं यहाँ का रिस्पॉन्स जो है चित्ली कबार का बहुत ज्यादा अच्छा है। तो चलिए आगे का ब्लॉग देखते हैं कि कैसा जाता है, कैसी मार्केट है आगे की। चित्ली कबार का रात का वक्त चल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी इतना क्राउड है इस जगह पर। यहाँ पर रात का बाजार लगना बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, 11 बजते ही यहाँ पर जो है मार्केट लग जाती है। कुछ शॉप्स होती हैं जो खुली रहती हैं। तो यहाँ पे किस रेंज में टी शर्ट शर्ट वगैरह मिलती है? 400-450-350 सर। वो शर्ट दिखाएंगे ज़रा, वो किस रेंज में सर वाली? जी पड़ेगी आपको 350। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन कितने अच्छे तरीके से लगा रखा है। ये देखें आप शर्ट देखें, नाइस यार,
काफ़ी अच्छी शर्ट है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, वैसे कपड़ा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और बाकी लुक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे। क्या रेंज में बताई थी सर आपने इसे? जैसे कि आप देख सकते हैं रेट भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको आएंगे तो काफ़ी अच्छे रेटों में मिलेंगे, 350 काफ़ी अच्छे रेट होते हैं मेरे हिसाब से, आगे हिसाब काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखी जैसे आप, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है कपड़े की भी और शर्ट भी काफ़ी अच्छे लुक्स में मिलती है यहाँ पे। देखिए ऐसे एक है यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट फेवरेट है नवेद का। आप किस टाइम बैठते हैं वैसे यहाँ पे, क्या टाइमिंग है आपकी रात में? 9:30 रात को 1 बजे तक। 1 बजे तक तो देखिए आप यहाँ पे 1 बजे तक मार्केट खुलती है, काफ़ी वक्त नहीं हो जाएंगे आप, मार्केट वैसे काफ़ी जल्दी बंद रहती है लेकिन यहाँ पर 1 बजे तक मार्केट आते हैं। तो सर थैंक यू सर। यहाँ का रिस्पॉन्स कैसा मिलता है आपको जो मार्केट का है? नॉर्मल जैसे मार्केट वाला रिस्पॉन्स होता है, मतलब बजट होती है ना, पूरा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई काम ही नहीं करना चाहेगा। तो चित्ली कबार मार्केट का यही बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आप सुबह आ जाओ, दोपहर में आ जाओ या रात को आ जाओ, आपको बहुत अच्छे रेट में यहाँ पे सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, काफ़ी अच्छे रेटों में मिल जाएंगी, काफ़ी अच्छा लगता है। शर्ट दिखाना, हरी वाली। हाँ भाई किस रेट में भाई जानी है? 350 रुपये की। 350 रुपये। बाय द वे मैं YouTube चैनल से हूँ, शर्टें पसंद आई तो मैं सिर्फ तुम्हारे पास आ गया तुमसे जानकारी लेने के लिए यहाँ की मार्केट के बारे में। थोड़ा बहुत बताना चाहोगे कि मार्केट कैसी लगती है तुम्हें यहाँ पे, तुम्हारा काम सही चलता है या नहीं, आने आने की टाइमिंग्स वगैरह बता दो आप। भाई हमारी टाइमिंग है रात को 10 बजे से 12 बजे तक, आने की 10 बजे की, जाने की 12 बजे। और कैसे यहाँ पे रहता है आपका काम वगैरह? काम बढ़िया रहता है, सिर्फ 4 घंटे बंद होती है रात को। ये बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, जैसे मैंने आपसे कहा था और मेरा ब्लॉग का मकसद ही यही है सुबह से लेकर रात तक का ब्लॉग बनाना, तो इन्होंने खुद कह दिया कि सिर्फ 4 घंटे बंद होती है मार्केट। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, जब चाहे आप आओगे आपको हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे, बहुत बड़ी बात है। हम बस सुबह से शाम कभी भी कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि हम सिर्फ 4 घंटे के लिए बंद होते हैं जी भाई, बाकी सुबह शाम कुछ भी ले सकते हैं जी भाई।